तूतीकोरिन में पुलिस फायरिंग में 13 मौतों से पैदा हुए तनाव के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार को आशंका है कि फायरिंग से भड़के लोग सरकारी बसों और महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज्य के खुफिया विभाग ने सभी कमिश्नर और जिले के एसपी को इंटेलिजेंस इनपुट भेजकर इसकी चेतावनी जारी की है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आगाह किया गया है कि फायरिंग के खिलाफ राजनीतिक दलों, मछुआरों और अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालात को काबू करने के लिए राज्य सरकार के गृह सचिव निरंजन मार्डी के आदेश पर 3 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं 5 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजी गई चिट्ठी में गृह सचिव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ जानकारी फैलाने की वजह से पब्लिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लिहाजा ऐसी सूचनाओं को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करना जरूरी है। गृह सचिव ने तूतीकोरिन में हुए हिंसक प्रदर्शन में सोशल मीडिया की भूमिका बताई है। उन्होंने कहा है कि 22 मई को स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में 20,000 लोग जमा हो गए थे, जिनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के बाद पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।